हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है ब्रह्मानंद सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर सीरीज ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हिच इज़ अ कॉमन कोर्स फॉर बोथ द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये जो कोर्स है बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स जो कि बेसिकली सेकेंड ईयर में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जो पहला हम लोग के पास चैप्टर है उसमें बेसिकली हम लोग को डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल के बीच में बेसिकली थोड़ा डिफरेंशिएट करना है। अभी तक आप लोग ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं दोज आर रिलेटेड टू द एनालॉग सिग्नल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिजिटल सिग्नल एंड व्हाई वी रिक्वायर डिजिटल सिग्नल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारे पास उसमें हम लोग डिजिटल सिग्नल्स की कैसे हम लोग स्टोरेज कर रहे हैं, कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग को इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में डिस्कशन करना है। दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट द माइक्रोप्रोसेसर्स एंड वेन यू आर टॉकिंग ऑफ मेमोरीज। तो बेसिकली जो भी आजकल हमारे पास गैजेट्स अवेलेबल हैं दोज आर वर्किंग ऑन दीज डिजिटल सिग्नल्स। तो बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि जो हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स आ रहे हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उनमें किस तरह के हमारे पास डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं। मे बी वो आप लोग को बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन जो हमारे पास चीज़ें हैं जो गैजेट्स में अवेलेबल हैं दोज आर अ लिटिल बिट एडवांस टू दैट वन। लेकिन जब तक आप बेसिक्स नहीं जानेंगे तब तक एडवांस्ड की तो हम बात ही नहीं कर सकते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड कंटिन्यू विथ आवर कोर्स। जो हमारा चैप्टर है पहला, जिसमें हम लोग को सिग्नल्स के बारे में बात करनी है, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल्स, एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, इसकी आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मैं जो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ दैट इज़ व्हाट इज़ अ सिग्नल। बेसिकली आप लोग सिग्नल जो टर्म है बहुत सुन रखे हैं, बहुत इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन आइए इसको थोड़ा सा और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सिग्नल बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास अगर मैं किसी भी फिज़िकल वेरिएबल को, फिज़िकल वेरिएबल जैसे हमारे पास हो सकते हैं, अगर मैं मैकेनिकल में बात करूं तो टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। सो आई कैन टेक फिज़िकल वेरिएबल जो है हमारे पास एक, तो मैं मैकेनिकल में बात सकता हूं जो हमारे पास आते हैं, जैसे हो गया टेम्परेचर, हो गया प्रेशर, हो गया, और या फिर मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो यहां पे हम लोग बेसिकली बात करते हैं वोल्टेज की, करंट्स की, एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की या फिर फेज की। सो दीज आर द फिज़िकल वेरिएबल्स, और इनका जो वेरिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब हम किसी एक फिज़िकल वेरिएबल को लेते हैं और विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम लोग प्लॉट कर देते हैं तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्स। टाइम इज़ गोइंग टू बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके बाद टाइम पे डिपेंडेंट है हमारे पास ये वेरिएबल्स। तो कोई भी वेरिएबल है एक्स ऑफ टी विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसको मैं प्लॉट कर दे रहा हूँ ऑन दिस ग्राफ। तो इसी ग्राफ को हम लोग बोल रहे हैं या इसी सिस्टम को जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी को हम लोग बोल रहे हैं बेसिकली सिग्नल। तो अगर मैं सिग्नल की डेफिनेशन देखूँ तो द वेरिएशंस
of any physical variable with respect to WRT stands for with respect to time is called signal. तो इसके बेसिस पे जो हमारे पास कोई भी फिजिकल वेरिएबल है टाइम के साथ जैसे जैसे वेरी कर रहा है, जो भी उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं उनको हमने डिफरेंट टाइम्स पे रिकॉर्ड कर लिया है, तो उसी को उस वेरिएशंस को जो हम लोग शो कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ या फिर मैथमेटिकल फॉर्म में शो कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग ने शो कर दिया एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू एम टी प्लस सी. देखिए अभी यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके होंगे, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो होती है दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ वाई. इसी इक्वेशन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है वाई एक्सिस पे. देखिए हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस पे है एक्स ऑफ टी एम एक्स, एक्स जो है दैट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी है. तो देखिए एम इज़ द स्लोप, एम इज़ स्लोप और टी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सी इज अ कॉन्स्टेंट. तो अभी मैंने क्या किया, आई हैव दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो अभी यहां पे जो मेरे पास फिजिकल वेरिएबल था उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है. यहाँ पे दिस इज द ग्राफिकल फॉर्म, तो आई कैन रिप्रेजेंट द गिवन सिग्नल इन ईदर इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म या फिर मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ग्राफिकल फॉर्म में. तो हमारे पास कोई भी फिजिकल वेरिएबल का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड एज सिग्नल. और इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, या तो मैं ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जैसा कि यहाँ पे एक्स ऑफ टी का वेरिएशन विद टाइम हो रहा है, वहीं पे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन ले ली है एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू एम टी प्लस सी. तो जहाँ पे m इज द स्लोप, t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड c इज द कॉन्स्टेंट. तो x ऑफ t हमारे पास स्लोप, टाइम और जो हमारा कॉन्स्टेंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और उसी के साथ वो वेरी कर रहा है. तो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ सिग्नल्स एंड द फॉर्म्स इन विच वी कैन रिप्रेजेंट दोज सिग्नल्स. तो आप लोग एक मिनट वीडियो पॉज कर लीजिए, यू कैन नोट डाउन समथिंग फ्रॉम दिस slide and then we will move further to the classification of signals based on the values जो हमारे पास x of t है वो कैसा है उसके basis पे और जो हमारे पास time available है, जो time हम लोग ले रहे हैं जिस instant पे हम लोग ले रहे हैं उसके basis पे हम लोग classify करने की कोशिश करेंगे. अभी जो हमने signals की बात की थी उसमें हमने दो चीज़ देखी, हमारे पास एक independent variable था time और जो हमारे पास दूसरा वेरिएबल था दैट इज़ x ऑफ t और y ऑफ t. यहाँ आप देख सकते हैं x ऑफ t कॉमा y ऑफ t दोज आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स. फिजिकल वेरिएबल्स अब बेसिकली मैं इन फिजिकल वेरिएबल्स को अभी क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, वी विल टॉक ऑफ इट इन नेक्स्ट पार्ट. तो बेसिकली जो हमारे पास वैल्यू ऑफ फिजिकल वेरिएबल है या कोई भी वैल्यू हो सकती है उसके दो टाइप्स हो सकते हैं. बेसिकली एक हो सकता है कॉन्टीन्यूअस वैल्यू, कॉन्टीन्यूअस वेरिंग, या फिर हो सकता है डिस्क्रीट वेरिंग.
बेसिकली अभी आप इन दो वर्ड्स को समझने की कोशिश कर रही, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस है वैल्यू या फिर डिस्क्रीट वैल्यू है, इसको पहले समझने की कोशिश करिए। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूस वैल्यू एंड व्हाट इज़ डिस्क्रीट वैल्यू, आप लोग को क्लियरली ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मैं जो अभी जो बात करने जा रहा हूँ, पहले डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी बात करेंगे, फिर हम लोग डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस टाइम की बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस समझते हैं। कॉन्टिन्यूस बेसिकली देखिए, अगर मैं कोई दो टाइम इंस्टेंट उठा लूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज 2 सेकंड्स एंड दिस इज 3 सेकंड्स, तो अगर मैं इन दोनों सेकंड्स के बीच में भी, फॉर एग्जांपल आई एम गेटिंग अ सिग्नल फॉर इवन 2.001 सेकंड्स, यहाँ पे कहीं पे 2 से जब ग्रेटर में बढ़ूंगा तो क्या आएगा 2.001, या फिर अगेन यहाँ पे क्या आ सकता है 2.523, सम रैंडम इंस्टेंट्स जिस पे मेरे पास वैल्यू आ रही है। तो इफ़ आई एम ड्राइंग दिस, आई एम गेटिंग सर्टेन वैल्यूज फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंट, जो भी हमारे पास 2 सेकंड्स और 3 सेकंड्स के बीच में माइक्रो मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स भी हैं, उनके लिए भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है हमारे पास, तो हम उस सिग्नल को बोल रहे हैं, दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स, कॉन्टिन्यूस बेसिकली मैं बोलूँ कॉन्टिन्यूस आप बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली वेरिंग बोल सकते हैं, अभी सिग्नल का आइडेंटिफिकेशन नहीं करिए, कॉन्टिन्यूसली वेरिंग, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर सेम वही मैं 2 सेकंड्स और 3 सेकंड्स वाले इंस्टेंट में उठा रहा हूँ, तो मुझे एक बार मिली 2 सेकंड पे वैल्यू और उसके बाद मुझे 3 सेकंड पे मिली, आई डोंट हैव एनी वैल्यूज इन बिटवीन दो सेकंड्स, ठीक है। तो एक हमारी वैल्यू जो है 2 सेकंड पे है, वहीं पे हमारी दूसरी जो वैल्यू है वो 3 सेकंड पे है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैरी कर रही है। देखिए अगर मैं मानूँ यहाँ पे हमारे पास दिस इज़ 1 और यहाँ पे मान लीजिए दिस इज़ 0.8, फिर अगेन मान, तो अभी मेरे पास दो वेरिएशंस जो आ रहा है वो 1 और 0.8 के बीच में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है कि मेरे पास टाइम इंस्टेंट जो था इसके बीच में देखिए कॉन्टिन्यूसली वेरिंग था, जो हमारे पास वैल्यू थी वो भी कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही थी फॉर दिस सिग्नल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें डिस्क्रीट हो चुकी हैं। देखिए वैल्यू मान लीजिए दिस इज 0.5, दिस इज 1, तो देखिए एट 3 सेकंड्स वी हैव द वैल्यू ऑफ 0.5, वहीं पे 2 सेकंड्स पे है जो है वैल्यू है 1 है, तो वैल्यू भी डिस्क्रीट हो चुकी है, वी आर नॉट हैविंग एनी वैल्यूज इन बिटवीन 0.5 to 1, लेकिन उसके साथ में हमारे पास जो टाइम है वो भी डिस्क्रीट हो चुका है, वी डोंट हैव एनी टाइम इंस्टेंट इन बिटवीन 2 सेकंड्स एंड 3 सेकंड्स। तो बेसिकली मैं बोलूं कि जो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती है एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसके बीच में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम उसको बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यू, चाहे वो टाइम इंस्टेंट्स हों जैसे कि हमारे पास 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स या फिर 2 सेकंड्स 2.5 सेकंड्स 3 सेकंड्स, तो ये दीज आर डिस्क्रीट वैल्यू। लेकिन वहीं पर अगर मैं 2 और 2.5 के बीच में जो मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स आ रहे हैं हमारे पास, उसमें भी अगर वैल्यू आ रही है मेरी, देन इट विल बिकम अ कॉन्टिन्यूस चेंज इन दैट पर्टिकुलर वैल्यू, और हमारे पास टाइम भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, और वहीं पे मेरे पास वैल्यू भी कॉन्टिन्यूसली वेरी करेगी। तो मुझे लगता है कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट के बीच में आप लोग को डिफ्रेंशिएट हो गया होगा। कॉन्टिन्यूस मतलब बहुत ही स्मॉलर वैल्यूज़
पे भी उसमें वेरिएशंस आ रहा है, लेकिन डिस्क्रीट मतलब एक हम लोग जब ले रहे हैं, जो जब उसको मेंशन कर रहे हैं, तो वी आर मेंशनिंग एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ इट्स वैल्यू। उसके अलावा हम जो वैल्यूज़ हैं उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, या फिर उन सिग्नल्स में हमारे पास उन टाइम इंस्टेंट्स पे कोई वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ इधर ज़ीरो या फिर हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू ज़ीरो है, या फिर हो सकता है कि जो हमारे पास यूज़र था उसने क्या किया, इसके बीच की वैल्यूज़ उसको इम्पॉर्टेंट नहीं थी, उसने डिलीट कर दी। जो यूज़र है उसने केवल कैप्ट किया है 2 सेकेंड्स की वैल्यू और 3 सेकेंड्स की वैल्यू। तो इसके बीच में कोई भी वेरिएशन हो, वी आर नॉट कंसिडरिंग दोज वैल्यूज़, वी आर कंसिडरिंग एट 2 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स। या फिर क्या हो सकता है कि हमारे पास 2 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स के बीच में जो वैल्यू फिजिकल वेरिएबल की आई थी वो ज़ीरो ही थी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टीन्यूअस एंड डिस्क्रीट, दैट कॉन्टीन्यूअस इज हैविंग वैल्यूज एट इवन मिली सेकेंड्स एंड माइक्रो सेकेंड्स, वहीं पर डिस्क्रीट होगा हमारे पास जैसे इंटीजर नंबर ऑफ जो टाइम होगा उसी पे हमारे पास वैल्यूज आएगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरिएबल, फिजिकल वेरिएबल की हम लोग बात कर लेते हैं। फिजिकल वेरिएबल भी हमारे पास कॉन्टीन्यूअस हो सकता है और डिस्क्रीट हो सकता है। तो जो अब हम लोग पहले बात कर रहे हैं, दिस इज कॉन्टीन्यूअसली वेरिंग, कॉन्टीन्यूअस वेरिंग फिजिकल वेरिएबल, और यहीं पे दिस इज अ डिस्क्रीट वेरिंग फिजिकल वेरिएबल। तो जैसा कि अभी हमने देखा, इसी तरह से हमारे पास टाइम भी हो सकता है, वी कैन क्लासिफाई टाइम ऑल्सो, टाइम कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूअस टाइम, और डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट हो सकता है और कॉन्टीन्यूअस हो सकता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टीन्यूअस एंड डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ फिजिकल वेरिएबल और कॉन्टीन्यूअस एंड डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ टाइम, हाउ वी कैन क्लासिफाई द डिफरेंट सिग्नल्स। अभी जो हमने बात की, वी हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज टाइम और वहीं पे डिपेंडेंट वेरिएबल एज एक्स ऑफ टी। तो एक्स ऑफ टी की जो हमारे पास है, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी कॉन्टीन्यूअस वैल्यू हो सकती है, और वहीं पे जो उसकी ही वैल्यू डिस्क्रीट भी हो सकती है। उसी तरह से जो हमारे पास टाइम है, दैट कैन ऑल्सो बी कॉन्टीन्यूअस और डिस्क्रीट। तो इसके बेसिस पे हमारे पास ये वैल्यूज़ डिस्क्रीट हैं या कॉन्टीन्यूअस हैं, वहीं पे टाइम डिस्क्रीट है या कॉन्टीन्यूअस है, इसके बेसिस पे हम लोग जो सिग्नल क्लासिफिकेशन करते हैं वो 4 टाइप से करते हैं, और वो आपके सामने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया है बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, पहला जो है हमारे पास, दैट इज़ कॉन्टीन्यूअस वैल्यू, कॉन्टीन्यूअस टाइम। तो कॉन्टीन्यूअस वैल्यू और कॉन्टीन्यूअस टाइम, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो टाइम है वो भी कॉन्टीन्यूअस है, और जो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉन्टीन्यूअस वैल्यू। तो जैसा कि अभी अगर मैं कोई भी टाइम इंस्टेंट ले लूँ, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक टाइम इंस्टेंट बिटवीन 2 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स के बीच में जो भी मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स हैं उसके लिए भी मुझे जो वैल्यूज़ हैं वो अवेलेबल है कॉन्टीन्यूअसली। जो मेरे पास जो टाइम चेंज हो रहा है, जैसे 2.001, 2.002, 2.003, इस तरह से हमारे पास टाइम मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स में वैरी कर रहा है,
और उन सभी सेकंड्स के लिए हमारे पास देयर इज़ अ वेरिएशन इन द सिग्नल, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो हमारे पास टाइम है दैट इज़ ऑल्सो कॉन्टिन्यूस और जो वैल्यूज़ है दैट इज़ ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। और इन जनरल लैंग्वेज में आप लोग इन्हीं सिग्नल्स को बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स। तो एनालॉग सिग्नल्स आर बेसिकली कॉन्टिन्यूसली वेरिंग सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टिन्यूसली वेरिंग टाइम, कॉन्टिन्यूसली वेरिंग सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टिन्यूसली वेरिंग टाइम। तो दीज आर बेसिकली एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस वैल्यू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की। अभी हमने जैसा कि देखा एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल में हमारे पास जो टाइम इंस्टेंट्स था दोज वर कॉन्टिन्यूस और वैल्यूज़ भी कॉन्टिन्यूस थी। अभी हमारे पास वैल्यूज़ तो कॉन्टिन्यूस हैं, दीज आर वेरिंग कॉन्टिन्यूसली, बट वहीं पे हमारे पास जो टाइम है दैट इज़ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे 1 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड्स, इसी तरह से इंटीजर नंबर ऑफ टाइम्स इंस्टेंट्स हमारे पास होंगे। उनके बीच की वैल्यूज़ जो मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स होंगी उस पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होगी, इधर इट इज़ ज़ीरो और या फिर वो इम्पॉर्टेंट नहीं थी, यूज़र ने उसको डिलीट कर दी। तो वी डोंट हैव एनी वैल्यूज़ इन बिटवीन 2 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स। लेकिन वहीं पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू है 2 सेकेंड्स पे दैट इज़ 0.8 और जो हमारे पास वैल्यू है एट 3 सेकेंड्स दैट इज़ 2.65। तो दैट इज़ नॉट अ इंटीजर, दैट इज़ अ फ्रैक्शनल वैल्यू, या फिर मैं बोल सकता हूँ दैट इज़ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग। तो इस वजह से इस सिग्नल को हम लोग बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूस वैल्यू एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स। तो यानी कि टाइम हमारा कॉन्टिन्यूस है बट जो वैल्यू है हमारे पास डिस्क्रीट है। तो देखिए जैसे अगर मैं मान लूँ 4 और 5 इंस्टेंट्स के बीच में मैं बात करूँ, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो अगेन वी हैव टाइम इंस्टेंट्स अवेलेबल इन बिटवीन 4 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स। तो मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स के लिए भी मेरे पास वैल्यू आएगी, बट द वैल्यू इज डिस्क्रीट इसलिए वो कॉन्स्टेंट है एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। तो इस केस में हमारे पास जो भी 4 पॉइंट, मान लीजिए मैं कोई टाइम इंस्टेंट उठा लूँ 4.556, दिस इज़ द टाइम इंस्टेंट। तो देख सकते हैं आप दिस इज़ इन मिली सेकेंड्स। तो इसके लिए भी हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है एंड दैट इज़ अ डिस्क्रीट वैल्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। तो दीज सिग्नल्स इज आर इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स, ये आपको याद रखना है कि ये सिग्नल्स जो हैं वो स्टेप्स में हैं। तो अभी जब हम लोग डिजिटल सिग्नल का कन्वर्जन पढ़ेंगे देन यू आर गोइंग टू रियलाइज दैट दीज सिग्नल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हेन वी आर गोइंग टू सैम्पल द डिजिटल सिग्नल्स। तो ये जो सिग्नल्स हैं दीज आर इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स एंड दीज आर डिस्क्रीट वैल्यू एंड कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट सिग्नल बचता है दैट इज़ डिस्क्रीट वैल्यू एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। डिस्क्रीट वैल्यूज़ मतलब हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी दोज आर ऑल्सो गोइंग टू बी इंटीजर, और वहीं पे जो हमारे पास टाइम इंस्टेंट्स होगा दोज आर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। 1 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स के बीच में कोई वैल्यूज़ नहीं होगी, 2 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स के बीच की भी टाइम इंस्टेंट्स के लिए कोई वैल्यू नहीं होगी। वहीं पे जो हम वैल्यू की बात कर रहे हैं 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, दोज आर गोइंग टू बी इंटीजर्स। तो बेसिकली इस टाइप के वैल्यूज़ को, इस टाइप के सिग्नल्स को हम लोग इन जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स। तो अ सिग्नल विच इज़ हैविंग डिस्क्रीट वैल्यू, अ सिग्नल विच इज़ हैविंग डिस्क्रीट वैल्यू at discrete instant of times is called as digital signals. So I hope आप लोग को digital signals और analog signals दोनों के बीच में difference हो गया होगा। Basically these are continuous values and continuous times, वहीं पर digital signal is discrete value and discrete time, और इन दोनों के बीच में भी हमारे पास दो type के signal आते हैं, एक continuous value discrete time signal आता है, वहीं पर discrete value
कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल्स आता है। जनरली आप इन दोनों के बारे में ही जानते हैं, इन दोनों के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नोट डाउन दीज ग्राफ्स एंड देन वी विल मूव टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल सिग्नल्स। अभी हमने जो क्लासिफिकेशन कर लिया, तो आखिर मेरे पास एनालॉग सिग्नल जब अवेलेबल है, जनरली आप देखेंगे कि आपके पास कोई भी फिजिकल वेरिएबल है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स, वो चाहे वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, या फिर कोई मैकेनिकल फिजिकल वेरिएबल हो जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वेस्कोसिटी, एनीथिंग, बीट, एनीथिंग, तो दोज आर बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स। हम उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट अस सी अ क्विक रिव्यू ऑफ हाउ वी कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल सिग्नल। तो मैं बात करूं, वी हैव एनालॉग सिग्नल ऑलवेज अवेलेबल, तो इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की हेल्प से। फिर उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ और कन्वर्ट करने के बाद जो मुझे डिजिटल सिग्नल मिला उसको मैं या तो स्टोर करूँगा या फिर प्रोसेस करूँगा। आई कैन स्टोर इट और प्रोसेस इट। प्रोसेसिंग का मतलब, सिग्नल प्रोसेसिंग का मतलब, वी कैन यूज़ अ डिजिटल फिल्टर। फॉर एग्जांपल आप लोग वीडियोज़ या ऑडियोज़ को कट करते हैं, ट्रिम करते हैं या फिर ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज़ कम्स अंडर द सिग्नल प्रोसेसिंग, कि आप लोग उसको कैसे एडिट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द सिग्नल प्रोसेसिंग। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगेन इसको जब मुझे एनालॉग सिग्नल की नीड होती है, मैं इसको लगाता हूँ एक डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और अगेन एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यू कैन टेक एग्जांपल, मैं जो अभी बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम स्पीकिंग आउट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स, और इस एनालॉग सिग्नल को जो हमारा फ़ोन है दैट इज़ कन्वर्टिंग इट इंटू अ डिजिटल सिग्नल, क्योंकि जो भी हमारे पास आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अवेलेबल हैं दोज बेसिकली वर्क्स ऑन डिजिटल सिग्नल। सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, और तभी हम उसको प्रोसेस कर पाएंगे। वी कैन रिमूव द नॉइस, वी कैन ऐड अप सम अदर बैकग्राउंड नॉइस, बैकग्राउंड सॉन्ग, और वी कैन ऐड अप एनी अदर वॉइस टू माई वॉइस। जो भी हम लोग डिजिटल जो भी हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, जो भी आप लोग सॉन्ग सुनते हैं, उसमें बेसिकली हम लोग डिजिटल फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ एडीसी वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट, स्टोर इट एंड प्रोसेस इट, और फिर जब रिक्वायर्ड होता है हम लोग डीएसी का यूज़ करें, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज़ करके उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एनालॉग सिग्नल में। अभी जब मैंने बोला आपको गैजेट में मेरे स्टोर हुआ, इट इज़ स्टोर्ड ऑन यूट्यूब, देन when you are listening the digital to analog converter present at in your gadget is going to convert it into analog signals and it will be presented to you by the speaker. तो जो भी स्पीकर के थ्रू आप लोग को ऑडियो मिलेगा, आप लोग उसको सुन सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द होल प्रोसीजर फॉर द कन्वर्जन एंड द स्टोरेज एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द डिजिटल सिग्नल्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल सिग्नल्स। तो अभी हमने बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स की बात कर ली, लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। द फर्स्ट एडवांटेज इज इट कैन बी ईजली स्टोर्ड विद द डिजिटल सिग्नल डिजिटल कंप्यूटर्स। बेसिकली अभी जो हमारे पास अवेलेबल हैं डिवाइसेस, दोज आर बेसिकली डिजिटल, तो हम लोग को डिजिटल सिग्नल की रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से वो जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल है दिस कैन दोज कैन बी ईजली स्टोर्ड। और प्रोसेसिंग, बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग बहुत ईजी हो जाता है। हम लोग को जब एनालॉग सर्किट की एनालॉग सिग्नल की प्रोसेसिंग करनी होती है, वी रिक्वायर अ पर्टिकुलर हार्डवेयर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ दोज सिग्नल्स। हम लोग को जो एनालॉग फिल्टर्स होते हैं या एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर होते हैं, दोज आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक टास्क,
और जब हम लोग को दूसरा टास्क करना होता है तो वी रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ हार्डवेयर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ दोज सिग्नल्स. लेकिन वहीं डिजिटल सिग्नल्स पे वी कैन राइट द कोड्स, डिजिटल कोड्स, और जिसकी हेल्प से हम लोग जो भी आप लोग प्रोसेसिंग कर सकते हैं. यू कैन चीज आप लोग के पास जो म्यूज़िक प्लेयर अवेलेबल होगा उसमें देखिए आप लोग के पास एक कंट्रोल सेक्शन होता है जिसमें आप लोग बास, ट्रेबल और सारी चीज़ें बाय द हेल्प ऑफ स्लाइडिंग अ स्लाइडर यू कैन चेंज. तो वो बेसिकली एक कोडिंग की गई है जिसकी हेल्प से आप लोग जो आपकी कहते हैं सिग्नल की प्रोसेसिंग है, डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग है, उसको चेंज कर रहे हैं. तो आप लोग को समझ में ही आता होगा कि हाउ इजी इट इज़ आप लोग को बास चेंज करना या वॉल्यूम चेंज करना या ट्रेबल चेंज करना या एनी अदर फ्रिक्वेंसी. इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज यू कैन चेंज इट बट जस्ट बाई स्लाइडिंग अ स्लाइडर. तो इसलिए हमारे पास स्टोरेज ईजी हो जाता है और उसके बाद प्रोसेसिंग ईजी हो जाती है. सिंगल प्रोसेसिंग इज ईजी बिकॉज द प्रोसेसिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर्स. हमको हार्डवेयर सेम होता है हमारे पास और जो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग प्रोसेसिंग ईजिली कर लेते हैं. नेक्स्ट इज बेसिकली डिजिटल सर्किट्स आर मोर रिलायबल एंड चीपर. बेसिकली अभी जैसा मैंने बात किया कि एक ही हमारे पास डिजिटल गैजेट है, उसी पे मैं डिफरेंट एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स. बट फॉर एनालॉग सर्किट्स इफ़ वी वांट टू प्रोसेस अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल देन वी रिक्वायर अ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर. अब जब हार्डवेयर हो गया तो बेसिकली कॉस्टली हो जाएगा और एनालॉग सिग्नल्स में हार्डवेयर में बेसिकली इश्यूज अगर आया तो दे विल नॉट बी रिलायबल एज द डिजिटल सर्किट्स. नेक्स्ट आपने स्टोर कर लिया, प्रोसेस कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस इज कम्युनिकेशन. आप उसको अपने गैजेट से दूसरे के तक पहुँचाएंगे. जैसे कि मैं अभी आप लोग के लिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ, आई विल बी सेविंग इट टू द यूट्यूब एंड यू विल बी एबल टू वॉच इट. तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है? The purpose is to communicate. We should be able to communicate. तो communication के लिए हम लोग basically TDM. TDM is stands for time division multiplexing. और FDM. FDM stands for frequency division multiplication. तो analog signals की जब हम लोग बात करते हैं, we use FDM. Frequency division multiplexing. You are going to deal with it in communication part. तो TDM is basically easier than FDM. FDM again stands for frequency division multiplexing. वहीं पे TDM stands for time division multiplexing. So these are basically related to the communication and you are going to deal with it in communication part. और उसके बाद फिर communication जब हो रहा है तो noise आएगा ही आएगा. तो जो noise आ रहा है that should be less, but for analog signals it is comparatively higher than that of digital signals. So immunity to noise is higher for digital signals for a long distance communication. इसलिए जो भी आप लोग के पास पहले जो transmission होता था TV transmission, that was analog signals. But अभी जो DTH चल रहे हैं those are basically digital signal transmission. Next जो है हम लोग बात कर लेते हैं कुछ disadvantages की. सबसे पहला डिसएडवांटेज जो हम लोग देख चुके हैं कि वी रिक्वायर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ हार्डवेयर दैट इज कॉल्ड एज ADC एंड DAC टू कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल या फिर डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल. तो इस हार्डवेयर के इन हार्डवेयर्स के लिए हम लोग को थोड़ा कॉस्ट देना पड़ेगा. बट अगेन दिस विल सेव आवर लाइफ बिकॉज सॉफ्टवेयर्स आर ईजी टू build than that of hardwares. Hardware designing is comparatively much more complex than that of software designing. तो इसलिए ये जो requirement है, ये जो हमारा cost यहाँ पर बढ़ रहा है, the softwares are going to cut that cost. तो इसलिए ये disadvantage जो है हमारे लिए उतना बड़ा disadvantage नहीं है. Next, it is going to use a higher bandwidth, comparatively higher bandwidth than that of analog signals. तो अगर मैं इस इन दोनों के कॉस्ट पे अगर प्रोसेसिंग, स्टोरेज और सारी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, सो व्हाई नॉट डिजिटल. तो इस वजह से हमारे पास
कुछ डिसएडवांटेज को छोड़ के मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एडवांटेजेस फॉर अस। तो इस वजह से हम लोग बेसिकली वी यूज़ अ डिजिटल सिग्नल इन आवर डेली लाइफ्स। विद दीज पॉइंट्स आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस क्लास। यू कैन रेफर योर टेक्स्ट बुक फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस एंड वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ द नंबर सिस्टम। टिल देन बी हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।